हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। कैसे दोस्तों, बढ़िया हो? हाँ जी, तो एक बार फिर से मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो बच्चे रेगुलर तैयारी करते हैं उनके लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो कि अलग हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं और जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिनमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके हमें आंसर करना होता है ना, और उस कॉमन सेंस को हम जो है मिस कर जाते हैं कभी कभी बहुत सारी जगह। ठीक है, तो द सर्वे प्रोवाइडेड द कंपनी विद अ वाइड डैश ऑफ फीडबैक ऑन इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है स्पेक्ट्रम ऑप्शन चॉइसेस एंड कलर्स। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आप दो ऑप्शंस को इंस्टेंटली जो है वो आपके रिजेक्ट कर सकते हो, उनको एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। देखो ये जो कंस्ट्रक्शन है ना बच्चों, इसके अंदर बेसिकली आपको विद प्रपोजिशन के बाद में अवॉइड मिल रहा है सब आपके सामने। एक सेकंड, है ना, आपको क्या मिल रहा है? अवॉइड। और ये अवॉइड जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? अवॉइड, अवॉइड। यहां पे वाइड आपके एडजेक्टिव है, आर्टिकल ए का प्रयोग हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस फिलर के अंदर जो ऑप्शन आएगा वो एक सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, मतलब नाउन कैसी होनी चाहिए? उसकी सिंगुलर होनी चाहिए ना। अब हम यहां पे देखेंगे कि चॉइसेस आपके पास में जो कि प्लूरल नाउन है ये एलिमिनेट हो गया, कलर्स जो है वो भी आपके प्लूरल फॉर्म में लिखा गया ये भी आपके एलिमिनेट हो गया, राइट। तो चॉइसेस और कलर्स किसी भी हालत में आपके ऑप्शन हो नहीं सकते, है ना। अवॉइड डैश, ठीक है, तो डैश में या तो स्पेक्ट्रम आएगा या ऑप्शन आएगा, है ना। अब फीडबैक जो है कंपनी जो है, अब देखो अब यहां पे सेंटेंस का मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट उसको चूज करके करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो सर्वे प्रोवाइडेड द कंपनी विद अ वाइड डैश ऑफ फीडबैक ऑन इट्स प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट के ऊपर वाइड डैश से मेरा मतलब है कि वाइड ऑप्शन आएगा या वाइड स्पेक्ट्रम होगा, तो स्पेक्ट्रम से मतलब वाइड ओपिनियंस जो है, ओपिनियन को या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी किसी एरिया को ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्पेक्ट्रम वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन वर्ड का प्रयोग बिल्कुल सही नहीं होगा। सर्वे ने क्या प्रोवाइड कराया कंपनी को? वाइड ऑप्शन प्रोवाइड करवाए, अ वाइड ऑप्शन, है ना, फीडबैक का वाइड ऑप्शन नहीं, ये तो नहीं आएगा। प्रोडक्ट पे फीडबैक का वाइड ऑप्शन नहीं, प्रोडक्ट पे फीडबैक का वाइड ओपिनियंस हो सकता है साहब यहाँ पे, और किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो विविधतापूर्ण जो है यहाँ पे आपके ओपिनियंस होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेक्ट्रम वर्ड का प्रयोग किया गया जो कि पूरी तरीके से परफेक्ट है ना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए स्पेक्ट्रम आने वाला है। द सर्वे प्रोवाइडेड द कंपनी विद अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फीडबैक ऑन इट्स प्रोडक्ट, ये करेंगे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज इसी तरीके के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन द प्लस कोर्स, एन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो CDS या FCAT हो ना, इनमें अपनी कैटेगरी को चूज करो। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपने अपनी कैटेगरी को चूज किया गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके पास में अलग अलग मॉड्यूल्स है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 12 महीने, किसी एक मॉड्यूल को चूज करो, रेफरल कोड लगाओ Harsh11। देखो मॉड्यूल चूज करने के बाद में जैसे 3 महीने का आपने चूज किया, फिर उसके बाद में आपसे वो रेफरल कोड पूछेगा, आपने रेफरल कोड में Harsh11 लिखा, उसको लिखने के बाद में आपने अप्लाई किया तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये देखो आपके डिस्काउंट मिल गया है ना, जैसे ही लगाया आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद में क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं ना। ये मेरा बच्चों चैनल है टेलीग्राम पे इंग्लिशर्स, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मेरा फेसबुक है इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। सो गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।